हेलो वेलकम नमस्कार एंड जय श्री राम। सो आज है शनिवार, मैं आज भी काम पर नहीं जा पाया तो मैं सोचा कि आज एक फिर से कोई नया ब्लॉग बना लेता हूँ। तो मैं घर से निकला अभी थोड़ी देर पहले, आज तो सुबह 10-11 बजे उठा मैं। 10-11 बजे उठने के बाद, मतलब लेट से उठने की आदत है, तो अभी उठने के बाद नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं, सूजी का हलवा खाया और उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर पहले ही रूम से अपने निकला हूँ। सोच रहा हूँ आज, मतलब ना कि गोरेगांव में एक छोटा कश्मीर है, छोटा कश्मीर बोल के पार्क है जहाँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ जाके एक ब्लॉग बनाऊँगा और मैं शेयर करता रहूँगा कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, या आप लोग पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या होता है। या कहा जाए ना तो वहाँ पहले की मूवीज़ की सॉन्ग्स की शूटिंग होती थी, अभी वो मुंबई महानगर पालिका के अंदर आता है लेकिन उतनी अच्छी, मतलब साफ़ सफाई ना होने के कारण और उसकी मेंटेनेंस ना होने के कारण वहाँ भी सॉन्ग्स की शूटिंग बंद कर दी गई है, इसीलिए उतनी अच्छी मतलब मेंटेनेंस नहीं है। सो मैं आज देखूँ, मैं भी पहली बार विज़िट करने जा रहा हूँ और जैसा मेरे को एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू एंड अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, और पहले के भी बहुत सारी ब्लॉग्स हैं जो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे मैं गेटवे ऑफ इंडिया गया था और मरीन ड्राइव्स भी गया था और मुंबई का सबसे, मतलब कहा जाए तो सस्ता कपड़ा का मार्केट फैशन स्ट्रीट मार्केट वहाँ भी गया था। सो मैं वो सब वीडियो की लिंक ना आई बटन पर दे दूँगा, आप देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू, आप आगे एक्सपीरियंस करिए। जाता हूँ गोरेगांव स्टेशन, कहा जाए तो मतलब विरार से मेरे घर से सबसे आसान रूट यही है गोरेगांव स्टेशन पर पहुँच के, यहाँ से मतलब कि ऑटो पकड़ के ऑटो के लिए जाना है। और जैसे कि ऑटो लेके मैं पता करके सब बताता हूँ आगे डिटेल्स, और मैं अभी ऑटो पकड़ूँगा। सो यहाँ से शायद 20 मिनट लगेंगे, तो तब तक के लिए लेट्स कंटिन्यू। सो प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे विरार ईस्ट में आना था, मतलब कि गोरेगांव ईस्ट में आना था और मैं गोरेगांव वेस्ट ईस्ट में आने के बाद मैं ऑटो वाले से मतलब पूछ रहा था कि ऑटो कहाँ से मिलता है छोटा कश्मीर पार्क के लिए, तो वो मुझे मिली नहीं, ऑटो भी नहीं मिली और बस में मुझे जाना पसंद नहीं। तो मैं पैदल ही टूर कर रहा हूँ, आधे घंटे लगेंगे मैं आगे मतलब जाऊँगा पार्क पे, तो बाकी सारी वीडियोज़ की क्लिप कवर करूँगा, तो तब तक के लिए कंटिन्यू। तो अभी मैं पहुँच जाता हूँ बस छोटा कश्मीर पार्क के कुछ दूरी पर ही हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ, मैंने तो बताया था कि पैदल जा रहा हूँ। यहाँ से लगभग 5-10 मिनट और लगेंगे और मतलब कि बाकी का व्यू, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं तो मुंबई भी पहली बार ही आया हूँ। अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं कुरकुरे लिया और कुरकुरे खाते हुए आ ही आ रहा हूँ, और बाकी लगेगा तो बोलो डिजिटल ही खिलाऊँगा। बस ये सामने का मतलब पीछे पूरा जंगल टाइप का एरिया है, सुना इधर कहीं आसपास में ही मुंबई का फिल्म सिटी भी है जहाँ कपिल शर्मा शो का सेट, बिग बॉस का सेट, बाकी सारे बहुत सारे, अच्छा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी सेट है। सो मैं वहाँ भी जाऊँगा बाद में, अभी तो जा नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे करके सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ डेली ब्लॉग बनाऊँ लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं रहती उतनी और घर से उतना निकल नहीं पाता, काम में भी रहता हूँ। सो बाकी आगे की वीडियो में मैं बताता हूँ मैं कैसे पहुँचा और कुल कितना खर्च हुआ, तब तक आगे वीडियो मिलते रहें। और वीडियो अगर ज़रा सा पसंद आएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, आपका ये सब्सक्राइब हमारा दिन बना सकता है।
लगभग आधे घंटे पैदल चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं मतलब कि छोटा कश्मीर पार्क के पास में। ये है वो जगह और पीछे एक थाना भी है। ये थाना है, यहाँ से रोड मतलब ऊँची थी और ये सब थाने की गाड़ी लगी हुई है। मुझे बैठनी नहीं है, बस लगी हुई है। और जैसे थाने का ये थाने बोल रहा हूँ, ये जो छोटा कश्मीर पार्क है उसकी एक हिस्ट्री भी है, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। मैं नीचे से चढ़ने के बाद थोड़ा आ गया हूँ, दम फूल रहा है। सो आगे वीडियो में सब देखिए, मैं आगे हिस्ट्री बताऊँगा इस पार्क की। ये है छोटा कश्मीर का टिकट घर और ये रहा छोटा कश्मीर का मेन गेट, यहाँ से एंट्रेंस है। ये सब अभी कुछ काम चल रही है शायद BMC के, महानगर पालिका की, और मैं आगे वीडियो में दिखाता रहूँगा, अंदर जाता हूँ। एंटर कर चुका हूँ छोटा कश्मीर में। ये रहा वो एंट्री गेट पीछे के साइड में, और ये आगे इतने बड़े कैक्टस मैंने लाइफ में पहली बार देखे हैं। इतने बड़े कैक्टस तो होते हैं नहीं, पता नहीं क्या है, वो भी नहीं पता। अभी बस एंटर ही किया हूँ, मैं भी ज़रा एक्सप्लोर करूँ तब आपको सब बताता जाऊँगा कि कहाँ क्या है और कैसे है। और अगर कभी भी आपको आना रहता है सो आप सीधे ना गोरेगांव स्टेशन उतरो, उसके बाद वहाँ से ईस्ट में आकर बस पकड़ो। बस की नंबर्स मैं मतलब जानकारी लेके मैं बता दूँगा वीडियो में आगे कि कौन सी बस और कितने नंबर की बस पकड़ने से आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो चलो आगे वीडियो देखते रहो आप। अरे फूल कितना अच्छा लग रहा है, बट देने वाली कोई नहीं है। सो अंदर आने तो थोड़ा पता चला कि ये पार्क फैमिली कम कपल्स के लिए ज़्यादा है। उधर मतलब मैं जिस साइड गया था उस साइड में कपल्स बहुत ज़्यादा थे, सो मैं उधर वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, किसी की भी प्राइवेसी होती है। तो मैं उधर से निकल गया और उसके अल्टरनेट साइड आया, इधर कुछ फैमिलीज वगैरह बैठे थे और इधर मैं घूम के अपना वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा था आराम से। सो आराम से मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड करना क्या, जैसे कि कपल्स थे तो मैं उधर से निकल आया क्योंकि प्राइवेसी है भाई। कहा जाए तो इस पार्क का उतना अच्छा मतलब जैसा नाम है वैसा तो कोई एक्सपीरियंस सही नहीं है। हाँ हिस्ट्री इसकी ये है कि यहाँ पे लोग ना मतलब लोग बोल रहा हूँ जैसे बॉलीवुड्स के बहुत सारे सॉन्ग्स की मतलब ना शूटिंग हुई है। जैसे कि पहले तो कश्मीर में मतलब कि जाना बंद था 370 के कारण, तो लोग ना यहीं पे मतलब बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग्स यहाँ पे शूट हुई। कश्मीर के तर्ज पर इसे ही बनाया गया था और इसलिए इसका नाम छोटा कश्मीर पड़ा और इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स की शूटिंग हुई थी। सो आज के ब्लॉग में इतना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ फिल्म सिटी पास में ही है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ फिल्म सिटी भी जाके ब्लॉग बनाऊँ, बट अभी नहीं हो पाएगा। तो उस ब्लॉग के लिए कुछ वेट करना पड़ेगा, थोड़े दिन या कुछ महीने वेट करने पड़ेंगे। सो ब्लॉग जल्दी ही आएगा, सो वेट एंड वॉच। और वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें।